मेरे सब बसी मोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार वट खान पीते पंगे जान जा लेंदे असी बैठे आ बठाया बंदे उठने नी देंदे लैंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली कीड़ा करता तंग मैनू दस बल्ली साढ़े मैटर च आउंदी ना प्लस बल्ली करता तंग कीड़ा दस बल्ली हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज एक और नई वीडियो के साथ हम आए हैं और आज हम बुलेट स्टैंडर्ड का रिव्यू करने वाले हैं और बाइक सामने खड़ी है मैं भी आपको दिखाता हूं चलिए सकते हैं आपके सामने खड़ी है बाइक यार गंदी हो रही थी तो मैं ऐसी ले आया और ये देख सकते हैं आप अब तो ये आती भी नहीं है पहले आप देख लीजिए आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ और देख सकते हैं आप कितनी चली हुई है तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलेट स्टैंडर्ड 350 के बारे में और ये जो मेरे पास है ये है स्टैंडर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं आपको मैंने अभी दिखाई थी। तो यार इस बाइक की जब से ये बंद हुई है ना इसकी इतनी हाइप बन चुकी है और बनना भी चाहिए क्योंकि जो अब आ रहा है ना लेटेस्ट मॉडल वो उसमें तो इतना दम है नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है अभी स्टैंडर्ड 350 जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ और ये जो मॉडल है ये है BS4 और ये बंद हो चुका है जैसे कि आप लोग जानती हैं और अब इसका BS6.2 फेस 2 आने लगा है लेकिन यार उसमें इतनी बात नहीं है। जो यार इसका लुक है ना पहली बात तो लुक भी उसका उन लोगों ने सेम नहीं करा इंजन भी चेंज कर दिया है और मैं आपको इसके जो मेन बताऊं पॉइंट इसमें जो बेस आती है स्टार्ट होने के बाद वो उस इंजन में तो आपको मिलना है नहीं आपको ये पता ही है। एक बार आप इसका लुक देखिए सही से और ये अभी हमने सेकंड हैंड मार्केट से ही ख़रीदी है मतलब मेरे कज़न ने तो मैं उसकी बाइक लेकर आया हूँ मैंने सोचा व्लॉग बनाते हैं इस पर तो ये देख सकते हैं आप इसमें अलॉयज वगैरह डले हुए हैं और हमने बस इसमें साइलेंसर लगवाया था ये शॉर्ट बोतल बोलते हैं इसे और हाँ बाइक थोड़ा बहुत काम है जैसे कि ये पेंट वगैरह यहाँ का थोड़ा सा चला गया है और वो टैंक के पास से हल्का सा तो इससे कोई इशू है नहीं और अब हम UP में से ट्रांसफ़र करा लेंगे NOC वगैरह लाकर बाइक देख सकते हैं आप दे इस बाइक का लुक ही अलग है आप देख सकते हैं जो नई आती है उसमें ये भी चेंज है और ये जो आगे को जाता है ना ये इसके वजह से अच्छा लुक आता है इसका बाइक का मैं आपको दिखाऊँगा आपको देखिए अलग ही लुक आता है भाई देखिए आप उस वाले मॉडल में तो ये चीज़ मिलनी है ही नहीं आपको। अभी मैं इसकी आपको आवाज़ वगैरह भी दिखाता हूँ और चला के भी दिखाऊँगा थोड़ी बहुत और इसमें चौड़ा टायर लगवा रखा हमने देख सकते हैं आप 190/19 हमने नहीं डलवाया मतलब मैं बात कर रहा था हमने जिससे ली थी हमें ऐसी ही मिली थी एज इट इज़। तो अभी चलिए मैं आपको इसका साउंड वगैरह सुनाता हूँ फिर मैं आपको इसको चला कर भी दिखाऊँगा अभी ट्रैक्टर आ रहा है पीछे से वो निकल जाए उसके बाद मैं आपको इसका साउंड वगैरह सुनाता हूँ कैसा है और एक बार स्टांस देखिए ऐसा आता है बैठने के बाद साउंड सुनाता हूँ उसका पहले आप खड़ी बाइक पे सुन सकते हैं और फील जो है असली बुलेट का आप देखिए ये वाइब्रेट होती है पूरी देख सकते हैं आप मोबाइल में स्टेबलाइजेशन की वजह से दिख नहीं रही होगी वाइब्रेशन आप देख सकते हैं मैं दिखाता हूँ तो भाई यही चीज़ तो है जो बुलेट को बताती है हाँ ये बुलेट है। अब आपने साउंड सुना मैं थोड़ा रेव करता हूँ मैं आपको मिलता हूँ बाइक चला के दिखाता हूँ बाइक चलाने के बाद भी आपका रनिंग साउंड दिखा देता हूँ उसका कैसा है और वैसे तो आपने सुन ही लिया होगा चलिए अब मिलते हैं बाइक चलाता हूँ मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत आप वो इन्जॉय करना और अब हम इस पर थोड़ी मॉडिफिकेशन भी कराने वाले हैं जैसे ये स्मोक कराने वाले हैं हम और इसकी हेडलाइट पर भी मॉडिफिकेशन कराएँगे
और ये जो इसके इंडिकेटर्स वगैरह हैं इसके जो जो ख़राब हो रखे हैं वो सही कराएंगे। और बाइक तो फुल्ली मॉडिफाइड है ही जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ मैं आपको बाइक पर। तो गाइस आपने जैसे कि ब्लॉग देखा और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग। इसके ऊपर मैं और भी ब्लॉग बनाऊंगा, अभी तो मैंने ऐसी बना दिया, अभी खरीदी है रिसेंटली तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना के डालता हूँ। अब इसका मॉडिफिकेशन का डालने वाला हूँ मैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बस थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए। हाँ, अगर कोई कमी रही हो ब्लॉग में तो आप कमेंट में बताएं, मैं उसको सुधारूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए थैंक यू सो मच।